तो फ्रेंड्स कंफ्यूजन अभी भी बहुत है यूए ट्रैवल को लेकर। कुछ बंदों जिन बंदों का वीज़ा आ चुका है और जिनका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम है पासपोर्ट में, तो भाई अभी भी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ एयरलाइन स्ट्रेट वे मना कर रही हैं, कुछ एयरलाइन बोल रही कि यस यू कैन ट्रैवल। तो भाई अभी वही सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लाइव कन्वर्सेशन विद एयर इंडिया, कि एयर इंडिया से बात करी है हमने, कैसे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है। जिनका पासपोर्ट ये वाला है, इस पासपोर्ट वाले जो भी बंदे हैं, मतलब फर्स्ट नेम वाले जो भी बंदे हैं, वीजा आ चुका है, उनको कैसे ट्रैवल करना है, कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल करना है, वही इस वीडियो में बताऊंगा भाई। तो पूरी पूरी देख लेना वीडियो। और भाई जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं अब तक, आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो भाई अगर हेल्प हो रही है तो उसके भी आप कमेंट करके बताना कि यार हाँ इन्फॉर्मेशन से हेल्प हो रही है हमारी या नहीं। नहीं हो रही तो नहीं, और यह तो जल्दी बताना यार, बताया करो जरूर। और भाई इस वीडियो को ना यार शेयर कर दिया करो, ताकि यार थोड़ी ना भाई लोगों तक जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सबकी सेम क्वेरी है। मेरे इंस्टाग्राम में जितने भी मैसेज आ रहे हैं, क्वेरी सब कुछ सेम है ये यार। तभी ना जब आप इन वीडियो को शेयर करोगे ना, तो रैंक में आएगी वीडियो और लोगों को पता चलेगा कि हाँ भी ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन ये है। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है यार शेयर जरूर कर दिया करो। पूरी देखना वीडियो, आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रैवल करना है आपको अगर वीजा आ चुका है तो। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आपका वीजा आ चुका है, आपका फर्स्ट नेम वाला पासपोर्ट है, बहुत बंदे अभी भी कंफ्यूज हैं। कुछ बंदों ने, ऐसे बंदे भी मिल रहे हैं कि जिन्होंने टिकट भी करा लिया है, ठीक है, अपना होटल बुकिंग भी करा लिया, ट्रैवल इंश्योरेंस पैकेज वगैरह सब कुछ ले रखा है, बट वीज़ा उन्होंने नहीं लिया। उनका नेम फर्स्ट नेम है सिर्फ पासपोर्ट में, और बाकी अब उनको इशू आएगा। ऐसे बंदे ही बहुत मिल रहे हैं जिनको जिन्होंने फ्लाइट पहले ही बुक कर रखी है और उनको वीज़ा लेना है, वीज़ा उन्होंने डाल रखा है बट उनका अभी तक वीज़ा नहीं आया। तो मतलब कन्फ्यूजन अभी बहुत सारे हैं, और ये भाई धीरे धीरे क्लियर होंगे होपफुली टुमोरो 9 AM। कल 9 बजे मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें लाइव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम कि कैसे ट्रैवल किया है बंदों ने अभी के टाइम पे। तो डेफिनेटली वो सबको हेल्प करेगी, और उस वीडियो को जरूर देखना आप, वो आपके भी काफ़ी हेल्प आएगी भाई, काफ़ी हेल्प करेगी आपकी वो वीडियो। तो कल 9 बजे, और अभी भाई मैं बता देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ अभी, ये देखिए स्क्रीन पे ये वाला। बहुत सारे बंदे हैं ऐसे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया गया है गिवन नेम में, बहुत सारे बंदे हैं और ये बंदे कंफ्यूज हैं। अब इनका वीजा भी आ चुका है, और अब मैं आपको वीजा का सैंपल शेयर करता हूँ ये वाला, ये आप देखो, ठीक है। अब आपने पासपोर्ट भी देख लिया, आपने अब वीजा भी देख लिया। अब पासपोर्ट में जैसे अमर नाम है, ठीक है, और अमर नाम का बंदा का जो फादर का नाम है वीजा में आया हुआ है, दैट मीन्स मिस्टर अमर या जो भी है लास्ट नेम जो है आप देख रहे हो। देखो जैसे मैं बताता हूँ अभी आप स्क्रीन पे देखा ना अमर, ठीक है। अब इनका हम वीजा चेक करते हैं, तो वीजा में नाम आया मिस्टर अमर अशरफ, ठीक है, अब आप समझ गए। तो अमर अशरफ जी, अब ये जो हो गया ना नाम, एक से ज्यादा हो गया, अमर और अशरफ भी हो गया, तो इस केस में आप ट्रैवल कर सकते हो एयर इंडिया के थ्रू। भाई किसी दूसरी एयरलाइन का रिस्क बिल्कुल मत लेना, ठीक है, लफड़े बहुत चल रहे हैं, उस चीजों से आप बचो, नहीं तो पैसे बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इतने का नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, टिकट कैंसिल हमने डाली थी वो कैंसिल भी नहीं हो रही, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, कस्टमर सर्विस हमारी बात नहीं हो रही। बहुत सारे बंदे ये बोल रहे हैं कि यार एयर इंडिया पे अब हम कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे। तो भाई वही मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। और जो अमर नाम का बंदा, इन भाइयों ने अभी उनसे बात करी है एयर इंडिया से, वो रिकॉर्डिंग आप सुनो और आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर हो जाएगा उसमें। एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनो आप प्लीज। नमस्कार एयर इंडिया, दिस साइड कैन आई हेल्प यू? सर गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अमर। ओके सर, मेरा ना रिसेंटली अबू धाबी में फ्लाई करना है मुझे, बट ये जो मेरा वीजा है इसमें मेरा सिंगल नेम प्लस फादर नेम है, मुझे इसके रिगार्डिंग ऑयल का इशू है कि मैं टिकट बुक करूँ या नहीं। अगर सिंगल नेम जी, आपका नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम अमर है ओनली पासपोर्ट पे, और फादर नेम इज अशरफ। ओके, फादर नेम जो फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट पेज है आपका पासपोर्ट का, जी उसमें आपका सिंगल नेम है? जी जी जी, सर नेम
ओके, जो पासपोर्ट का लास्ट पेज है उसमें फादर्स नेम मेंशन है? जी जी मेंशन है। ओके, फादर नेम मेंशन है। ओके, और वीजा कौन सा है आपका? वीजा में है अमर अशरफ लिखा है वीजा में, मिस्टर अमर अशरफ। अमर अशरफ जी। ओके, अमर आपका नेम है, अशरफ फादर का नेम है। जी 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 जी। ओके, और कौन से वीजा पे आप ट्रैवल कर रहे हैं? टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा पे ट्रैवल कर रहे हैं? जी जी जी। आप टिकट बुक कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर पाएंगे। आपकी जो नेम है वो आपके फादर के नेम से मैच करती है, सो आप टिकट बुक करके टूरिस्ट वीजा पे ट्रैवल कर सकते हैं। सर एक चीज और थी, ये इसके लिए ओके टू बोर्ड रिक्वायरमेंट रहेगा? मेरा ईसीआर पासपोर्ट है, जैसे ईसीआर पासपोर्ट है तो वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा ओके टू बोर्ड। ओके टू बोर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? आपने टिकट ऑलरेडी बुक कर चुकी है या आप बुक करेंगे? नहीं, आप करेंगे। करेंगे। ओके, सो अगर आप टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट या एयर इंडिया के मोबाइल ऐप से बनाते हैं, देन ओके टू बोर्ड जो आपका है वो हमारे सिटी ऑफिस से होगा। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप यानी कि एयर इंडिया छोड़ के किसी और के ऐप के थ्रू एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करते हैं, देन ओके टू बोर्ड जो है आपको वो करके दे देंगे। एक बार ट्रिप पहले करके दे देंगे। ओके सर। और कुछ है इसके अलावा? नहीं नहीं, और कुछ है, बस यही ओके टू बोर्ड में थोड़ा सा इशू है कि कैसे होगा। और जैसे हम आपकी ऑफिशियल साइट से टिकट करते हैं 30 नवंबर का, तो ये कैसे होगा आप थोड़ा बता सकते हैं? कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली टिकट बुक करके एयर इंडिया सेंटर में, एयर इंडिया हेड ऑफिस में कॉन्टेक्ट करिएगा। आपको वहाँ पे ऑप्शन, एयर इंडिया की वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आर्टिकल पढ़ रहा था यही दुबई का, ये नेम के रिगार्डिंग ही मुझे थोड़ा मुझे पता नहीं था। एक आर्टिकल मैंने ये पढ़ा है, एक आर्टिकल और आपका ये पढ़ा है, ओके टू बोर्ड फॉर यूएई। ओके टू बोर्ड फॉर यूएई, मैं आपको एक आर्टिकल बता रहा हूँ, आप उसको रीड कर लीजिए। आपकी जो क्वेरी है ना नेम के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो जाएगी। आप एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाइए। नेम वाली तो आपने क्लियर कर दी, वो क्लियर हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपका फर्स्ट नेम है, वीजा आपका आ चुका है, पासपोर्ट में फर्स्ट नेम है और वीजा में आपका नाम के साथ आपके फादर या फिर आपके मदर का नाम है, तो आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर सकते हो यूएई विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो भाई यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाता है कि जो एयर इंडिया के थ्रू, किसी और लेन के एयरलाइन का भी हम कुछ नहीं कह रहे, ना मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि उसे ट्रैवल करो। अभी हम किसी का कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहते, ना आप लेना। ठीक है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया की। और भाई जो भी आप बातचीत कन्वर्सेशन करोगे, मैं तो कहता हूँ कि पहले फ्लाइट बुक करने से पहले आप जो भी जितने भी जैसे मेल पे या फिर फ़ोन पे, IVR पे, जैसे भी उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है एयर इंडिया से, कॉन्टैक्ट करो, उसको एज ए प्रूफ आप रखो। अगर आप की फ़ोन पे बात करो तो उसको रिकॉर्डिंग आप रखो, जब उन्हें बोलेंगे ना वो कि सर आपको बोर्डिंग मिल जाएगी, दैट मीन्स यू हैव अ प्रूफ, यू हैव अ प्रूफ इन योर फोन एंड यू कैन शो इट टू द एयरलाइन स्टाफ एट द बोर्डिंग काउंटर। बोर्डिंग गेट पे जब जाओगे वहाँ पे आप उसको एज अ प्रूफ शो कर सकते हो उनको। मेल पे अगर आप बात करो तो मेल का भी आप संभाल के रखना, और रिकॉर्डिंग अगर फोन पे बात करो उस फोन पे, तो ये दोनों आप एज अ प्रूफ आप शो कर सकते हो उनको, ताकि आपको बोर्डिंग वो दे दें, आपके पैसे बच जाएं। मेन चीज़ अभी ये, मेन कंसर्न अभी यही है। बहुत सारे बंदे भाई न्यू ईयर का प्लान चल रहा है ना, दिसंबर का प्लान चल रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है अभी। तो होपफुली ये वीडियो आपको भाई काम आई होगी, और भाई डेफिनेटली मैं लाइव एक्सपीरियंस जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपका जो जिसमें भाई अगर जो भी है ना, जो वीडियो देख रहा है भाई, अगर पहुँचा हो अभी भी तो मुझे जल्दी से आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करो और भाई एक्सपीरियंस शेयर करो, ताकि अपने ट्रैवलर्स भाई जो भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं उनका डाउट क्लियर हो जाए और वो आराम से ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो भाई जिनका भी फर्स्ट नेम है और अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अप्लाई मत करना अभी, अभी कोई फ़ायदा नहीं है वीज़ा अप्लाई करने का, अभी वेट करना है मतलब। ठीक है, अपने को वेट करना है, और जैसे ही फिर ये चेंज होगा, डेफिनेटली ये चेंज होगा, मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेटली रूल चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा देन यू कैन अप्लाई। बट अभी के टाइम पे जिनका आ चुका है एयर इंडिया से ट्रैवल करो, नहीं आया है अप्लाई मत करो, किसी दूसरी एयरलाइन का रिस्क मत लो। तो यही चीज़ें थी भाई, बाकी फिर और कुछ अपडेट आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी से जल्दी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर कर देना भाई, शेयर जरूर कर दिया करो यार, इतना तो काम करो यार। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।